हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग? अच्छे हो? बहुत अच्छी बात है। पढ़ाई अच्छी तरह से कर रहे हो ना? यस, वेरी गुड। तो आपने अब तक एक्सरसाइज 2.1 ध्यान से पढ़ी होगी। अब हम एक्सरसाइज 2.2 करते हैं। प्यारे बच्चों, एक्सरसाइज 2.2 में रिलेशन है, दे रखा है। रिलेशन की डेफिनेशन पढ़ते हैं। हमारा चैप्टर रिलेशन एंड फंक्शन, इस चैप्टर को आराम से पढ़ना। ये चैप्टर 12th क्लास में वापस शुरू होगा, जहां से इसका लेवल खत्म होता है 12th क्लास में, वहीं से वापस शुरू होता है। तो इसको बड़ा ध्यान से पढ़ना, बहुत आसान चैप्टर है, इंपॉर्टेंट भी है। अब रिलेशन की डेफिनेशन, रिलेशन आई हैव ऑलरेडी रिटन, रिलेशन इसको हिंदी में संबंध बोलते हैं, फंक्शन को फलन बोलते हैं। रिलेशन फ्रॉम ए टू बी इज एनी सबसेट ऑफ ए इंटू बी, यानी ये ए इंटू बी का ही कोई सबसेट होगा। ठीक है, आपको ए इंटू बी आता लिखना, ए इंटू बी लिख करके आप उसके सबसेट लिख सकते हैं। ये सब आपको आता है ना, ए इंटू बी का सबसेट भी आप लिख सकते हैं। तो जैसे मैंने एक एग्जाम्पल लिया, ए को ले लिया ए बी, एंड सेट बी इज ओनली वन एलिमेंट है, इसका सिंगलटन सेट है। A into B is just C, it's a Cartesian product, A ने 1 के साथ और B ने भी 1 के साथ कबड्डी खेला है, तो ये इनका Cartesian product है। अब यहाँ there are two ordered pair, means there are two elements of A into B, इनके अगर हम subset देखें तो एक दो, there are two elements, एक element ये हो गया, दूसरा ये हो गया, इनके सबसेट कितने होंगे? दो का पावर दो, नंबर ऑफ एलिमेंट इसमें है ना, दो का पावर दो, there will be four subset। So, अब डेफिनेशन क्या है? रिलेशन फ्रॉम ए टू बी इज एनी सबसेट ऑफ ए इंटू बी, यानी ए इंटू बी का सबसेट कितने होते हैं? दो, इस वजह से चार सबसेट होंगे। तो जितने सबसेट ए इंटू बी के, उतने ही ए से बी में रिलेशन होंगे। ठीक है ना, तो नंबर ऑफ रिलेशंस फ्रॉम ए टू बी विल बी इक्वल टू नंबर ऑफ सबसेट ऑफ ए इंटू बी। तो अब ये बिल्कुल आसान है, मैंने एग्जांपल से समझा दिया। अच्छा, अब इसके सबसेट लिख दिए, चारों सबसेट एम्प्टी हो गया, सिंगल सिंगल एलिमेंट का ये हो गया, ये हो गया, दूसरा ये हो गया, देर आर 1, 2, 3, 4 सबसेट है। तो फोर रिलेशन, मैक्सिमम फोर रिलेशन हो सकते हैं। तो अब इसमें ये भी एक रिलेशन है, ये भी रिलेशन है, ये भी रिलेशन है, ये भी रिलेशन, बिकॉज इट इज एनी सबसेट ऑफ एम टू बी। हमने इसको ऐसे सर्कल में लिखा, इस तरह की चीज को एरो डायग्राम बोलते, एरो डायग्राम। सेट ए के कुछ एलिमेंट है ए बी, वापस मैंने लिख दिया, सेट बी वाले ऐसे लिख दिया। ठीक है, ये सेट ए बी मैंने इस तरह से लिख दिया। एक ध्यान रखना, मेंबर्स, रिलेशन मेंबर्स में होता है, सेट्स में कोई रिलेशन नहीं होते, यानी इंसानों में ही रिश्ते होते हैं। बिल्डिंग्स हैव नो रिलेशन, प्यारे बच्चों, बिल्डिंग्स हैव नो रिलेशन। ठीक है, रिलेशंस टेक प्लेस ओनली अमॉन्ग्स ह्यूमन बींग्स, ठीक है, एलिमेंट्स में, मेंबर्स में। तो ए वन के साथ रिलेशन बनाएगा या बी बनाएगा? यहां पे ए ने ना तो वन के साथ कोई रिश्ता बनाया, ना बी ने बनाया, इस तरह से ये मैंने रिलेशन नंबर वन, आर वन, इसको एम्प्टी रिलेशन आप बोल सकते हैं। यहां पे ए का वन के साथ कोई रिश्ता है, ए का वन के साथ रिश्ता है, तो ये जो एरो है ना, एरो लगा ना, इसको बोलते हैं, दिस मेथड इज नोन एज एरो डायग्राम। एरो डायग्राम, तीर लगा रखा है, तीर मार रहा है, तो ये इसको हम देखो, ये तो हो गया ऐसा, ये आर टू है, इसको क्या लिखेंगे? ए वन, और ये ब्रैकेट लगा दिया, ये एक सबसेट है कि नहीं? ये आर टू एक रिलेशन है, दिस इज वन ऑफ द सबसेट है ना, ए वन, ये पढ़ा एवन, ओके। इसको कैसे करेंगे? बी कॉमा वन, ये तो एक एलिमेंट हो गया, तो ये लगाया, तो ऐसे ये ऐसे कर सकते, बी ने वन को तीर मारा, मैथ की भाषा में बी इज रिलेटेड टू वन, बी इज रिलेटेड टू वन, तो दिस इज अनदर रिलेशन आर थ्री। हाँ, अब ये क्या, दिस ए ने वन के साथ भी रिश्ता बनाया, बी ने भी वन के साथ रिश्ता बनाया, ए वन एंड बी वन, और ये आर फोर। देखो आराम से देखना, क्या ये एक ए इंटू बी का सबसेट है? यस, ये है, दिस इज वन ऑफ द सबसेट्स ऑफ ए इंटू बी, दिस इज ऑल्सो वन ऑफ द सबसेट ऑफ ए इंटू बी, ये पढ़ा बी वन, ये पढ़ा बी, ओके। सो रिलेशन आप ध्यान से पढ़ना,
फ्रॉम ए टू बी इज एनी सबसेट ऑफ ए इंटू बी का ही कोई सबसेट हो सकता है। यहां देखो ए इंटू बी में कितने में एलिमेंट होते हैं, एन ए इंटू एन बी यानी टू इंटू वन, देर आर टू एलिमेंट, तो टोटल सबसेट टू स्क्वायर यानी फोर हो गया। जितने ए, मैं फिर से बोल रहा हूं बच्चों, ए इंटू बी के जितने सबसेट उतने ही ए से बी में रिलेशन है, ठीक है ना। अंग्रेजी में बोला है तो नंबर ऑफ सबसेट ऑफ ए इंटू बी इक्वल्स टू नंबर ऑफ रिलेशन फ्रॉम ए टू बी। प्यारे बच्चों, अब मान लो यहां दो एलिमेंट होते ए बी या वन टू होता, तो या ए वन ए वन ए टू बी वन बी टू, देयर वुड हैव बीन फोर एलिमेंट्स इन ए इंटू बी। इसका मतलब दो का पावर फोर यानी देयर विल बी 16 सबसेट्स। तो 16 सबसेट्स यानी ए से बी में 16 रिलेशन होते, 16 रिलेशन होते बच्चों। ठीक, मैं एक बोल देता हूं, नंबर ऑफ रिलेशन ध्यान रखना कितने होते हैं, दो का पावर याद रखना। मान लो ए सेट मैंने वही रखा, सेट बी मैंने रख दिया 1 2 3 4 मैंने, ओके। अब ए टू बी हाउ मेनी रिलेशंस आर पॉसिबल फ्रॉम ए टू बी, यानी एन ए इंटू बी कितना, एन ए इंटू बी कितना, एन ए इंटू एन बी, चेक पिछला एक्सरसाइज से पढ़ा, एन ए इंटू एन बी, दैट मीन्स ये 2 × 4 यानी 8 हो गया, ठीक है, ओके, मेक इट 5 और अच्छा बना रहेगा, 2 × 5 यानी 2 × 5 = 10 हो गया। इसका मतलब ए से ए इंटू बी के कितना, जो देर ऑफ नंबर ऑफ सबसेट्स ऑफ ए इंटू बी कितने होंगे, 2 का पावर 10, यानी किसी ने मैथ में सीएस लेकर 2 raised to 10 विल गिव यू 1024। ए फिर से बोल रहा हूं, ए इंटू बी में 10 एलिमेंट, अब उसके टोटल सबसेट कितना, 2 का पावर नंबर ऑफ एलिमेंट। अब जितने ए इंटू बी के सबसेट उतने ही ए से बी में रिलेशन, देयरफॉर नंबर ऑफ रिलेशंस फ्रॉम ए टू बी दैट इज इक्वल टू 2 raised to 10 सेम आएगा 1024। जितने ए से बी ए इंटू बी के सबसेट उतने उसके रिलेशन, देखो कितने रिश्ते ही रिश्ते, रिश्ते ही 1024 रिश्ते, इन रिश्तों के नाम बाद में देना, ठीक है ना। ये तो आपने कल मैंने टॉपिक लिख रखा ए टू बी, ओके। एक अभी आता है, ये तो ए से बी कोई भी सेट हो सकता है, ए बी, कभी कभी ऐसा भी होता है, कभी ऐसा होता है सेट ए में और ए में दूसरा सेट बी है, ओके, यहां ए बी या ए बी ऐसा हो गया, तो ए टू ए बी हो सकता है, ए टू ए, क्योंकि ए इंटू ए पॉसिबल है, तो ए टू ए रिलेशन भी पॉसिबल है, तो ये भी हो गया, ये इसके साथ हो सकता है, इतना भी हो सकता है, तो ठीक है ना। तो ए टू ए को अपनी मैथ में कई बार ओन ए बी लिखा होता, ओन ए का मतलब रिलेशन फ्रॉम ए टू ए, ये वर्ड कई बार मिलेगा आपको, ऑन ए, ठीक है ना, ऑन ए का मीनिंग होगा ए टू ए, गड़बड़ नहीं होना, कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए आपको वहां पे, ये तो आपको हो गया। अब मैं थोड़ा एक और डिटेल में ए और बी के दो एग्जाम्पल लेते हैं, ठीक है, ए एंड बी के दो एग्जाम्पल लेते हैं। सेट ए मैंने ले लिया, ए और एडमिट करता है, ठीक है, ये हो गया सेट बी, ए ले लिया, इसमें ए बी सी 1 2 3 4 ले लो, ज्यादा इसमें ज्यादा हो सकता है, इसमें कम इक्वल भी हो सकता है, किसी में भी कम ज्यादा हो सकता है, एक रिलेशन बनाता है, ए का 1 के साथ रिलेशन है, बी का 3 के साथ है, सी का 4 के साथ है, ठीक है, ओके ओके। अब मैं यह डी भी ले सकता हूं, मैं यहां 5 भी ऐड कर दूं तो कोई दिक्कत नहीं है, बिकॉज ये गुब्बारा टाइप बन गया, आप इसको सर्कल मारना, ओके, इसको कहते हैं, ये है, दिस इज एरो डायग्राम मेथड, एरो डायग्राम मेथड, एरो डायग्राम, ठीक है। अब इसको रोस्टर फॉर्म में कैसे लिखेंगे, रोस्टर फॉर्म, हाउ यू विल राइट इट इन रोस्टर फॉर्म, कुछ नहीं है, रिलेशन आर दे दो, रिलेशन यू कैन गिव आर, सो आर रिलेशन में, लेट्स चेक, ओके, कैमरा थोड़ा घूम गया है, इट्स ओके नाउ, ठीक है, ओके, रिलेशन आर
ऐसा कर सकते थे वो। ए ने किसको तीर मारा, ए ने वन को मारा। बी ने किसको मारा, बी ने थ्री को मारा। सी ने किसको मारा, सी ने फोर को मारा। ये एक रिलेशन है। देखो बच्चों कितने यहां, कितने एक दो तीन चार, इसके पास पांच, इसके पास। तो एन ए इंटू क्या है, एन ए इंटू बी कितना होगा पता है, एन ए इंटू बी हाउ मच, फोर फाइव जा फोर फाइव जा ट्वेंटी। तो नंबर ऑफ रिलेशन कितना होगा, नंबर ऑफ रिलेशंस विल बी हाउ मच, नंबर ऑफ रिलेशंस विल बी हाउ मच, दो का पावर बीस, बहुत बड़ा नंबर है दो का। ये आउट ऑफ दिस बिग नंबर दिस इज वन ऑफ द रिलेशन, ये उनमें से कोई एक रिश्ता है, ठीक है ना। सारे हम लिखेंगे तो हमारी नोटबुक भी खत्म हो जाए शायद, ठीक है ना। ये फॉर दो टू रेस टू ट्वेंटी रिलेशन होगा, विच इज नॉट पॉसिबल टू राइट, ऑल रिलेशन आर नॉट पॉसिबल टू राइट हियर। ये एक रिश्ता है, ठीक है, ए का वन, बी का थ्री, सी का फोर। अब इसको थोड़ा और डिटेल स्टडी पढ़ते हैं डिटेल में, ठीक। अब ध्यान रखना, सेट ए का चार एलिमेंट ए बी सी डी, सेट बी में पांच एलिमेंट है वन टू थ्री फोर पर, ए वन टू थ्री फोर में इधर भी हो सकता, ये इधर भी हो सकता था। अब प्यारे बच्चों हम बोलेंगे ए का इमेज वन है, ए का इमेज वन है, बी का इमेज थ्री है, सी का इमेज फोर है। इमेज इमेज वन इमेज ध्यान रखना, ठीक है ना। सी का इमेज फोर, बी का इमेज थ्री, ए का वन। वापस बोलते हैं बी का इमेज थ्री है तो थ्री का प्री इमेज बी है, प्री इमेज थ्री का प्री इमेज बी, प्री इमेज बी है। आप एनसाइट बुक में भी ये कुछ लिखे हुए हैं, बट इस चैप्टर की लैंग्वेज थोड़ी टिपिकल है, जनरली बच्चों को समझ में कम आती है। चैप्टर बहुत आसान, ठीक है ना, डरना नहीं है, जो डर गया वो मर गया, ये समझ गया। शोले पिक्चर का डायलॉग, ओके बच्चों ये हो गया। तो वन का प्री इमेज ए, ए का इमेज वन, सी का इमेज फोर, फोर का प्री इमेज सी। ये तो हो गया काम, इमेज हो गया, प्री इमेज हो गया, डी डी ना तो किसी का प्री इमेज है ना किसी का कोई, ठीक है, पांच का कोई, पांच किसी का इमेज नहीं है, ठीक है ना। ये किसी की रिश्ते का इंतजार कर रहा था, इसका रिश्ता हुआ नहीं, इसका भी नहीं हुआ, ठीक है, होते होते रह गया। अब इसमें तीन वर्ड आते हैं, डोमेन काफी काम का चीज, ठीक है ना, और डोमेन के बाद आएगा रेंज या कोडोमेन। रेंज लिख दो, रेंज एंड देन कोडोमेन, ये बड़े काम की तीन वर्ड्स हैं। डोमेन सीधी सीधी बात, सेट ए के वो सारे एलिमेंट जो रिलेशन में भाग ले रहे हैं, ऑल एलिमेंट, सेट ऑफ ऑल एलिमेंट्स ऑफ सेट ए विच आर पार्टिसिपेटिंग इन रिलेशन, यानी इसके कौन कौन से हैं, इट इज सेट। तो ए बी एंड सी, ए बी सी है ना, दिस इज अ सेट। ब्रैकेट लगाना भूलना नहीं है, ब्रैकेट नहीं लगाया तो आपको जीरो नंबर मिलेगा, बिकॉज इट इज अ सेट। डेफिनेशन में लिखाऊंगा नहीं, बिकॉज बुक में लिख रखी। रेंज, जिस जिसको तीर लगा, सेट बी के वो सारे एलिमेंट जिसको तीर लगा, या हम कह सकते हैं इट इज सेट ऑफ ऑल एलिमेंट्स, ठीक है, ऑफ सेट बी विच आर पार्टिसिपेटिंग इन रिलेशन। सेट बी के वो सारे एलिमेंट जिनको भला लग गया है, तो कौन कौन है, वन थ्री एंड फोर, दिस इज रेंज, ठीक है। डोमेन क्लियर हो गया, डोमेन के हिंदी में बोलते प्रभाव, कौन तीर चला रहा है, ए बी सी, जो तीर चला रहा है वो डोमेन, डोमिनेटिंग आदमी है जिसके पास बंदूकें होती है, तलवारें होती है, दैट इज डोमिनेटिंग, यानी उसका डोमेन चल रहा है। कोडोमेन, इट इज कंप्लीट सेट बी, कंप्लीट सेट बी, यानी जिसको तीर लगा वो भी, जो तीर का इंतजार कर रहे थे या जो रिश्तों का इंतजार कर रहे थे लेकिन रह गए ऐसे बिना रिश्ते के रह गए, वन टू थ्री फोर, ठीक है, इनमें देखो टू एंड फाइव, इनका कोई रिश्ता नहीं, फकीर है, फिर भी ये कोडोमेन है बेचारे, इंतजार तो कर रहे थे ना, ठीक है ना। कुल मिला के ये सेट बी, कंप्लीट सेट बी इज कोडोमेन, ज्यादा दिमाग लगाना ही नहीं है, बचा कर रखना, ठीक है। कंप्लीट सेट बी इज कोडोमेन, डोमेन वापस मत, डोमेन जो तीर चला रहे, रेंज जिनको तीर लग गया, कोडोमेन पूरा सेट बी जिनको लगा एंड प्लस नहीं लगा, वो सब हो गया, ठीक है। हाँ ये तो हो गया। अब बच्चों एग्जाम कर सकते हैं, रोस्टर फॉर्म हो गया,
एरोडायग्राम हो गया, एक सेट बिल्डर फॉर्म होगा, मैं एक्सरसाइज के क्वेश्चन करूंगा करवाऊंगा तब आपको समझ में आ जाएगा। ये डोमेन एंड रेंज देखो क्या आया, ए वन बी थ्री सी फोर, तो ये क्या लगा, ए वन ए वन है तो या ए वन लिख दिया, बी थ्री है तो बी थ्री लिख दिया, सी फोर है तो सी फोर मैंने लिख दिया। यहां ये रोस्टर फॉर्म से देख करके भी आप बता सकते हैं कि सेट ऑफ फर्स्ट एलिमेंट ऑफ ऑल ऑर्डर्ड पेयर, फिर से रिपीट करूंगा, सेट ऑफ फर्स्ट एलिमेंट ऑफ ऑल ऑर्डर्ड पेयर, सारे ऑर्डर्ड पेयर के पहले एलिमेंट ए बी सी, ए बी सी यहां से देखेंगे ए बी सी, दैट इज डोमेन, और सेकंड एलिमेंट ईच ऑर्डर्ड पेयर का ठीक है ना विल मेक रेंज, ठीक है ना, सेट ऑफ ऑल एलिमेंट्स ऑफ सेकंड सेट ऑफ ऑल एलिमेंट्स ऑफ ठीक है ना सेट ऑफ ऑल सेकंड एलिमेंट्स ऑफ ईच ऑर्डर्ड पेयर विल फॉर्म रेंज। दूसरा वाला ये वाला ये वाला ये वाला वन थ्री फोर याद से वन थ्री फोर दिस विल गिव अस रेंज प्यार बच्चों। तो रोस्टर फॉर्म से हम डोमेन लिख सकते हैं रेंज लिख सकते हैं, को डोमेन तो यहीं से लिख पाएंगे ठीक है, या फिर कुछ दिया होगा क्वेश्चन में सेट बिल्डर फॉर्म में, ये चीजें आपको क्लियर हो जाना चाहिए, वीडियो पॉज कर करके आराम से आप देखते रहना प्यारे बच्चों। तो कन्वर्ट फ्रॉम वन फॉर्म अनदर फ्रॉम द राइट डोमेन कॉल, ओके दिस इज ऑल ओवर रेंज ऑफ ए टू। अब हम बच्चों एक्सरसाइज के क्वेश्चन करते हैं, आपको समझ में आएगा, कुछ क्वेश्चन करते हैं एक्सरसाइज के बचेगा तो फिर सेकंड पार्ट में कर लेंगे, लेट्स टेक एक्सरसाइज के क्वेश्चन ठीक है मैं। हाँ पहला क्वेश्चन मैंने मोबाइल में खोल रखा है, आप ध्यान से देखना, आई डोंट हैव एनसीईआरटी बुक, आप अपनी एनसीईआरटी बुक की एक्सरसाइज 2.2 खोलना बच्चों। 2.2 का पहला क्वेश्चन है सेट ए दे रखा है, सेट ए सेट दिया है 1 2 3, क्वेश्चन वन में ए सेट दिया है 1 2 3 अप टू 14 और नेचुरल नंबर, डिफाइन ए रिलेशन। अब ये एक आपके रिलेशन की चैप्टर में ये तीन वर्ड बहुत आते हैं, डिफाइन ए रिलेशन, कई बार हम अंग्रेजी व्याकरण में चक्कर खा जाते हैं। डिफाइन ए रिलेशन का मतलब ये नहीं कि रिलेशन की आप डेफिनेशन दीजिए, इसका मतलब सीधा है आपका मीनिंग इसका ये हो गया, कंडीशन फॉलोज, कंडीशन फॉलोज, मैथ में ये पढ़ा है ध्यान रखना, डिफाइन ए रिलेशन मीन्स कंडीशन फॉलोज, ये क्या रिश्ता क्या है, तो इसका मतलब मैं फिर से बोल रहा हूं, कोई रिलेशन की डेफिनेशन आपको नहीं लिखनी है, आप क्या रिलेशन है फ्रॉम ए टू ए, आर देखिए रिलेशन आर दे दिया, ए टू ए है ये देखो रिलेशन, ध्यान रखना बच्चों ये तो ऑर्डर्ड पेयर ही होता है बिकॉज क्योंकि ए इंटू बी का सबसेट ही होता है, तो ए इंटू बी तो ऑर्डर्ड पेयर होता है ना, सेट ऑफ ऑल ऑर्डर्ड पेयर्स ऑफ एक्स एंड वाई सच दैट 3x - y = 0 वेयर एक्स वाई कोमा, जहां एक्स वाई ए को बिलोंग करते हैं, एक्स एंड वाई दोनों ए के बच्चे, एक्स भी 1 2 3 4 है अप टू 14 तक एंड वाई भी 1 से लेके 14 तक नेचुरल नंबर है, राइट डाउन इट डोमेन कोड वेन इन रेंज। अब यहां आपको सेट बिल्डर फॉर्म, ये सेट बिल्डर फॉर्म है, दिस इज सेट बिल्डर फॉर्म, आप या तो इसको रोस्टर फॉर्म लिख लीजिए या एरोडायग्राम लिख लीजिए, ठीक है इसने बोला नहीं है तो डोमेन एंड कोडोमेन रेंज के लिखने के लिए आपको रोस्टर फॉर्म लिखना पड़ेगा या फिर एरोडायग्राम बनाओ, ओके लेट अस मेक एरोडायग्राम, दोनों तरीके करते हैं। तो 14 तक नंबर आने चाहिए, 14 तक आसान है, ए टू ए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 नहीं आ रहा जगह नहीं बची, 10 11 12 13 14 ओके ये गुब्बारा बड़ा बना लेगा ठीक है, आई विल मेक बिग वन, मैं पहले वन लिख लेता हूं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 ठीक है, क्या बोला एक्स एंड वाई 14 तक है और 3x - y = 0, तो 3x - y = 0 का मतलब है 3x = y, प्यार बच्चों ये ध्यान रखना, ये जो पहले वाला एक्स को बिलोंग करता दूसरा वाला वाई को, क्योंकि पहले एक्स लिखा फिर वाई लिखा, एक्स एंड वाई ठीक है ना, ये सब एक्स को रिप्रेजेंट करता है, ये सब वाई को रिप्रेजेंट करता है। अब आप एक्स का वैल्यू 1 रखिए 2 रखिए
एक्स वन रखते हैं तो वाई कितना आ रहा है, एक्स वन थ्री इंटू वन कितना आ गया, थ्री इंटू वन कितना थ्री आया, एक्स का वन रखा तो वाई थ्री आया, यानी वन का इमेज थ्री, वन तीन को तीर मारेगा। एक्स टू रखिए, थ्री टू जा एक्स टू रखा तो थ्री टू जा सिक्स, एक्स टू रखा तो वाई सिक्स है, एक्स टू वाई सिक्स तो टू का सिक्स। अब थ्री से मल्टीप्लाई करेगा कुल मिलाकर, थ्री का नाइन, थ्री ने नाइन को मारा, फोर ने ट्वेल्व को मारा, फाइव फिफ्टीन को मारेगा, लेकिन फिफ्टीन तो है ही नहीं, इसलिए फाइव किसी को मारेगा ही नहीं, ठीक है। ये एरो डायग्राम हो गया। अब आप इसका क्या क्या पूछा है, क्या क्या पूछा, डोमेन कोऑर्डिनेट पूछा ना, व्हाट एवर इज आस्किंग जस्ट राइट। डोमेन क्या हो गया, डोमेन हो गया वन टू थ्री फोर, ठीक है। रेंज क्या हुआ, किसको तीर लगा, तीन छ नौ बार। एंड को डोमेन पूछा होगा, पूछा तो नहीं, को डोमेन इज कंप्लीट सेट है वन टू थ्री अप टू फोर्टीन, को डोमेन तो सारा सेट होता, इधर वाला सारा सेट होता ही, ठीक है। ये हो गया, इसको आपको अगर रोस्टर फॉर्म में बोलता तो दिस इज आंसर, फाइनल हो गया हमारा। अब आप इसको रोस्टर फॉर्म में लिखो ना लिखो आपकी मर्जी है। रोस्टर फॉर्म में कैसे लिखते, पूछते तो मैं इसको बैठा रहा हूं, आई डोंट हैव प्लेस टू राइट हियर। रोस्टर फॉर्म अगर लिखना होता तो रोस्टर फॉर्म क्या होता बच्चों, रोस्टर फॉर्म क्या होता, वन वन किसको मारा, थ्री को, टू किसको मारा, सिक्स को, थ्री किसको मारा, नाइन को, और फोर में किसको मारा, ट्वेल्व। दिस इज द आंसर, ठीक है। आप यहां से देख के भी लिख सकते थे, वन टू थ्री फोर, ये पहले वाले डोमेन हो गए, सेकंड एलिमेंट ऑफ ईच ऑर्डर्ड पेयर विल गिव अस रेंज थ्री सिक्स नाइन ट्वेल्व, दैट वुड हैव बीन आवर आंसर। को डोमेन इज कंप्लीट सेट, इधर वाला है, यानी वन टू थ्री फोर अप टू फोर्टीन इज द आंसर, प्यारे बच्चों। अब आ गया क्वेश्चन नंबर सेकंड क्वेश्चन, देखिए, डिफाइन रिलेशन आर ऑन सेट एन ऑन नेचुरल नंबर वाई एक्स प्लस फाइव। अब इसमें सेकंड क्वेश्चन में वाई इक्वल एक्स प्लस फाइव है, सच दैट वापस वही है, सेकंड क्वेश्चन में सेट ऑफ ऑल ऑर्डर पेयर एक्स ऑन वाई सच दैट वाई इक्वल टू एक्स प्लस फाइव, और ऑन एन यानी एन टू एन नेचुरल नंबर टू नेचुरल नंबर है, ओके एक्स इज नेचुरल नंबर लेस देन फोर, ओ क्या बात, और है ना, एक्स नेचुरल नंबर है और एक्स चार से छोटा है, ये एक्स चार से छोटा है, ये ध्यान रखना। क्या एक्स क्या है, एक्स इक्वल यू कैन राइट वन टू थ्री, एक्स नेचुरल नंबर है, एक्स चार से छोटा है, एरो डायग्राम करो या कुछ भी करो, ठीक है ना, रोस्टर फॉर्म में कर सकते हैं, चलेगा रोस्टर फॉर्म, क्या बोल करना है, क्या डिपेंड रिलेशन यूजिंग रोस्टर फॉर्म, ओके ओके रोस्टर फॉर्म आर इक्वल्स टू देखो यहां दिस इक्वेशन हैज टू बी यूज, एक्स का वैल्यू वन, देखो नेचुरल नंबर है ना एक्स का वन, तो वाई कितना आया, एक्स वन रखा, देखो वाई इक्वल टू क्या है, एक्स प्लस फाइव है ना, एक्स वन है तो वाई कितना मिला सिक्स, तो वन का इमेज सिक्स, एक्स टू है तो वाई कितना मिला, एक्स टू है तो वाई मिला सेवन, एक्स थ्री है तो वाई कितना मिला एट, एक्स फोर है तो वाई कितना मिला, वाई कितना नाइन, नहीं क्योंकि फोर रख नहीं सकते, एक्स का वैल्यू चार से छोटा है, तो हमारा आंसर इतना ही होगा। अब आपको डोमेन रेंज क्या है, डोमेन इज वन टू थ्री, वन टू थ्री आंसर दे रखा है, एंड रेंज इज सिक्स सेवन एट, को डोमेन इज कंप्लीट सेट ए, ठीक है, ना लिखा तो भी आप कर सकते हैं, क्या क्या मांगा है, द डोमेन एंड रेंज, ठीक है, ओके क्या लिखना, छोड़ो भी लिखना डोमेन वन टू थ्री, ब्रैकेट लगा देना, ओके बच्चों। आप तब तक क्वेश्चन नंबर कीजिए थर्ड वाला कीजिए बच्चों, क्वेश्चन थ्री। एक बात बच्चों, अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो आप इसको जरूर शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और कमेंट जरूर लिखना, बिकॉज आपके कीमती कमेंट्स मेरे जरूर काम आएंगे और आपके भी काम आएंगे किसी न किसी रूप में।
ए में 1 2 3 4 फाइन, सेट ए में, ए में 1 2 3 4 फाइन, बी में 4 6, ए में सॉरी 1 2 3 5 है, ए में सेट ए इज 1 2 3 5, और जल्दबाजी में कई बच्चे 4 भी लिखते हैं, जैसे अभी मैंने 4 बोला, आप 4 नहीं लो, बी 4 6 9, बी इज 4, प्रैक्टिस करेंगे, बिकॉज ये जस्ट बिगनिंग है आपके इस चैप्टर की, 4 6 9, ओ हो हो, डिफाइन ए रिलेशन आर फ्रॉम ए टू ए, ए टू ए सॉरी ए टू बी, एक्स वाई डिफरेंस एक्सेंट वाई ओर, एक्स ए का बच्चा वाई बी का बच्चा आर ए सेट ओर ऑर्डर्ड पेयर एक्स एंड वाई सच दैट डिफरेंस बिटवीन एक्स एंड वाई इज ओर सच दैट एक्स माइनस वाई इज ओर, ठीक है ना, और एक्स ए का बच्चा वाई बी का बच्चा, यही क्या मांगता आपसे, राइट इट इन रोस्टर, कोई बात नहीं, रोस्टर फॉर्म लेना, ठीक रोस्टर फॉर्म, पहले पहले एक्स वाले लिखने, पहले ए वाले, एक्स ए का है ना तो पहले ये लेना, तो आर इक्वल टू 1 किसके साथ, 1 एक्स माइनस वाई, यानी ये एक्स वाले है, ये वाई, दीज आर ऑल रिप्रेजेंट एक्स, और ये सारे वाई, इनको वाई बोलते, ठीक है ना, एक्स माइनस वाई ओड है, तो पहले 1 ले लो, 1 किसके साथ रिश्ता बनाएगा, देखो इधर का ओड इधर का इवन, ठीक है ना, ओड माइनस इवन ओड होता है, तो 1 माइनस 4 ओड होता है, और 1 माइनस 6 भी ओड होता है, माइनस में भी ओड होता है, जान रहे 1 माइनस 6 माइनस 5 है, तो माइनस में भी ओड होता है, 1 माइनस 9 इट इज माइनस 8, और माइनस 8 इवन है, इसलिए लिखेंगे नहीं, जिनका डिफरेंस ओड है वो वही लिखेंगे, तो 1 का काम खत्म हो गया, 2 माइनस 4 नहीं, 2 माइनस 6 नहीं, तो 2 9 3 का काम हो गया, 2 का 3 4 3 का, मैं लिखू 3 4 3 6, 3 माइनस 4 3 माइनस 6 3 होता है, एंड 3 9 नहीं होगा, 3 का काम भी होगा खत्म, ठीक है, इधर का और इधर इवन होना चाहिए, तो 5 4 5 6 चेक करना, 5 माइनस 4 दिस शुड बी, यानी इधर का ओड इधर इवन, इधर का इवन इधर का ओड होना चाहिए, अब आप इसको डोमेन दे, आप खुद लिख सकते हैं, मैं ना लिखाऊं तो भी चलेगा, मैं ना लिखाऊं तो भी चलेगा, 1 4 1 2 9 3 4 3 सी आंसर मैच करो, 5 4 5 6 दैट्स करेक्ट, ओके, फोर्थ वाला क्वेश्चन, इसको आप उससे भी कर सकते थे, डायग्राम से भी कर सकते थे, कोई दिक्कत नहीं है, फिगर शो द रिलेशन बिटवीन सेट पी एंड क्यू, राइट दिट इन रोस्टर फॉर्म, राइट दिस रिलेशन इन सेट फॉर रोस्टर फॉर्म, 5 6 7 दे रखा है, मतलब 3 4 5 ठीक, फोर्थ का पी एंड क्यू क्या गया, 5 6 7 5 6 7 3 4 5 3 4 5 5 सब एक एक सीधा सीधा 3 बार है, ठीक है, एक चीज याद रखना, ये जो 5 का 3 के साथ रिश्ता है ना, वो 6 के साथ 6 का 4 के साथ सेम रिलेशन होगा, 7 देखो मान लो ये इसका मामा है तो ये भी इसका मामा होना चाहिए, ठीक है ना, ऐसा नहीं कि ये इसका चाचा है इसका मामा, ऐसा नहीं होगा, ठीक है, मतलब मैथिली भाषा में इनका इनका रिलेशन सेम होना चाहिए, आप थोड़ा सोचेंगे, तो पहले तो सेट बिल्डर फोरम में, सेट बिल्डर फोरम में क्या होगा, आप इतना तो आप लिख लीजिएगा, आर इक्वल टू, ये तो लिखना ही लिखना है, ये एक्स ये वाई, ठीक है ना, 5 का 3 के साथ 6 का 4 के साथ क्या है, क्या लगता है आपको, लगता है 5 का इमेज 3 है, 6 का 4 है, 7 का 5, थोड़ा सोचिए, अगर 8 होता तो 8 का क्या होता, जरा सोचो, सोचा आपने क्या सोचा, ओके, तो देखो 5 ये इसमें इसमें 2 का फर्क है, इसमें इसमें 2 का फर्क, सब में 2 का फर्क है ना, अब क्या करेंगे बताइए, ठीक है ना, मैं तो बोलूंगा सच दैट एक्स माइनस वाई इक्वल टू 2, ऐसा है ना, एक्स माइनस वाई टू, ऑलराइट, फिर क्या होगा, एक्स बिलोंग्स टू पी एंड वाई बिलोंग्स टू क्यू, दैट शुड बी द एक्यूरेट आंसर, और क्या मांगा आपसे, ठीक है, ओके ओके ओके, एक्स बिलोंग टू बी एक्स हो गया, और क्या पूछा है,
रोस्टर फॉर्म, रोस्टर फॉर्म आराम से हो गया, रोस्टर फॉर्म, रोस्टर फॉर्म हो गया। आप आंख बंद करके लिख सकते हैं 5 3 6 4 7 5, ये हमारा उत्तर हो गया बच्चों। अगला क्वेश्चन, अच्छा डोमेन रेंज पूछा होगा, तो डोमेन इज 5 6 7, रेंज इज 3 4 5, ठीक है ना, सब ये पूरा डोमेन हो गया, पूरा रेंज है, और इसका कोडोमेन भी यही है 3 4 पर। कभी कभी रेंज और कोडोमेन इक्वल भी हो जाता है, क्योंकि जब इसके सारे एलिमेंट को तीर लग जाता है तो वो रेंज इसका कोडोमेन इक्वल होता है, यानी वही कोडोमेन उसका रेंज बन जाता है। पांचवा सवाल, पांचवा सवाल बच्चों क्या है, A 1 2 3 4 5 6 रिलेशन ओनली। पांचवे सवाल में A 1 2 3 4 5 6 है, 6 है, 1 2 3 4, ओ 5 है ही नहीं, ठग लिया ठग लिया, 5 है ही नहीं, 1 2 3 ऑन ए ए टू ए, ए डिफाइंड बाई, डिफाइंड बाई ए बी, ए बी क्या है, बी इज एग्जैक्टली डिविजिबल बाई ए, बी इज डिविजिबल बाई ए, बी इज डिविजिबल बाई ए, क्या है, आर इज सेट ऑफ ऑल ऑर्डर्ड पेयर ऑफ ए एंड बी सच दैट बी इज एग्जैक्टली, बोलो या डिविजिबल बाई बोलो, डिविजिबल है तो फिर एग्जैक्टली क्या हुआ, डिविजिबल बाई ए, डिविजिबल बाई ए, हाँ।